चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है। अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिक्वायर 4 सेकंड टू रीच द बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टॉप। ठीक है, देखो दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, स्लाइड डाउन कर रही है नीचे की तरफ, ये थीटा है, तो जी ये हुआ, जी ये एंगल थीटा, जी कॉस थीटा ये हुआ, जी साइन थीटा ये हुआ। यहाँ से यहाँ बॉटम तक पहुँचती है कितने टाइम में, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, टी वन मान लेते हैं इसको, एस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। अब वही ऑब्जेक्ट अगर एस बाई फोर, अगर ये एस है तो एस बाई फोर डिस्टेंस ट्रेवल करना इसको, तो एक्सेलेरेशन तो उतना ही रहेगा जी साइन थीटा। अब मान लो ये है डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक एस बाई फोर है, तो ये डिस्टेंस कितने टाइम में ये ट्रेवल करेगी, तो मान लेते हैं टी टू टाइम में ट्रेवल करेगी, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब पहली सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ जी साइन थीटा टी वन का स्क्वायर, दूसरे केस में एस बाई फोर वन बाई टू जी साइन थीटा टी टू स्क्वायर। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन एस बाई फोर है। ठीक है, तो 2/1 कर देते हैं, 2/1 कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, 2/1 करें तो क्या आएगा, राइट साइड वाले को डिवाइड करते हैं, जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कट जाएगा, 1/2 से 1/2, तो टी टू स्क्वायर अपॉन टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई फोर डिवाइडेड बाई एस, ये 1/4 आएगा, तो टी टू अपॉन टी वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो टी टू अपॉन टी वन की वैल्यू आ गई 1/2, तो टी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टू आई, सो टी टू इज इक्वल टू टी वन की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड, 4/2 2 सेकेंड, ये आएगा 2 सेकेंड में ये एस बाई फोर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।